स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्लास टेंथ साइंस, ठीक है, क्लास टेंथ साइंस अर्थात विज्ञान के बारे में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जो 30% कम करने के बाद आपको कौन कौन से लेसन को पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम ये NCERT बुक का बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से लेसन को पढ़ना है, ठीक है, जो 30% कम करने के बाद आपको कौन कौन से लेसन को पढ़ना है और वो कितने कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि आप 30% कम होने के बाद आप बताइए हम लोग को कौन कौन से पार्ट को पढ़ना है, ठीक है, लेसन को पढ़ना है, इसलिए हमने ये वीडियो आपको बनाया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, लॉकडाउन कोरोना वायरस के इफेक्ट के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, ठीक है स्टूडेंट, उसके कारण आपके जो लेसन है वो 30% कम कर दिए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 30% कम करने के बाद आपको कौन कौन से लेसन को पढ़ना है, इसमें हम वो बताएंगे, आपको कितने मार्क्स के वो आते हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट, किस लेसन से कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा फर्स्ट लेसन जो क्लास टेंथ साइंस का है, ठीक है, यहाँ पे आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, ये कितने फर्स्ट लेसन का है, ठीक है स्टूडेंट, क्लास टेंथ साइंस के फर्स्ट लेसन का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये लेसन फर्स्ट है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारा सेकेंड लेसन है अम्ल क्षारक तथा लवण, या अम्ल क्षार तथा लवण, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट फिर उसके बाद हमारा थर्ड लेसन जो आपको पढ़ना है धातु तथा अधातु, ठीक है, मेटल तथा नॉन मेटल, ये क्वेश्चन, ये लेसन भी आपको पढ़ना है धातु तथा अधातु। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारा फोर लेसन है कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपके पास स्टूडेंट ओल्ड बुक है, पुराना बुक है, तो उसमें भी आप ये जिस लेसन का हम आपको नेम बता रहे हैं उस पर आप टिक लगा लीजिए और उसको पढ़िए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे फोर लेसन है कार्बन तथा उसकी यौगिक, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद फाइव जो लेसन है वो क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो फाइव लेसन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन फाइव जो लेसन है स्टूडेंट, इनमें से, ठीक है, इनमें से 20 मार्क्स का, ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये इससे सबसे अधिक इन्हीं फाइव पाठों में से, ठीक है, लेसनों में से क्वेश्चन पूछता है, जो कितने मार्क्स का पूछता है, 5 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का, सॉरी स्टूडेंट, 20 मार्क्स का, ठीक है, 20 मार्क्स का पूछता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारा अगला जो लेसन है वो क्या है, जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम तथा जीव जनन कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद हमारा आठवां स्टूडेंट अनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है, अनुवंशिकता एवं जैव विकास आपको पढ़ना है। जैव प्रक्रम हो गया 6th लेसन, 7th लेसन हो गया जीव जनन कैसे करते हैं, और अनुवंशिकता एवं जैव विकास ये 8th लेसन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें से भी आपको कितने मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, जो अधिक मार्क्स के जिस लेसन में से आते हैं स्टूडेंट, उसको आप अच्छी तरह से तैयार करिए, ठीक है, इसमें से भी 20 मार्क्स के आते हैं, और ऊपर भी हमने बताया कि इन फाइव लेसनों में से भी 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स के आते हैं। तो फिर उसके बाद स्टूडेंट, तो यहाँ पे अनुवंशिकता एवं जैव विकास क्या है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट अनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं, हाँ, ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन, ठीक है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अनुवंशिकता की जनक किसे कहते हैं, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट हमारा नौ लेसन है वो क्या है, 9th लेसन है वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फिर हमारा 10th लेसन है वो क्या है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार, ठीक है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इसमें से जो होता है स्टूडेंट कितने मार्क्स के आते हैं, 12 मार्क्स के, 12 मार्क्स के सिर्फ इन दोनों लेसनों में से आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारा है 11वां नंबर पर, ठीक है, विद्युत, क्या है, विद्युत, इलेक्ट्रिक। और फिर उसके बाद हमारा 12 नंबर पे है, 12वां नंबर पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते स्टूडेंट, इसमें से सिर्फ
13 मार्क्स के आते हैं, फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसको भी आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, इन विद्युत तथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, इन दोनों लेसनों को, इसमें से 13 मार्क्स के आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद है ऊर्जा के स्रोत, हमारे 13वां लेसन है, क्या है, क्लास 10th साइंस के 13वां लेसन है ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, और हमारा पर्यावरण 14वां, हमारा पर्यावरण, और 15 जो लास्ट लेसन है स्टूडेंट वो क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। ये कितने मार्क्स कहते हैं, 5 मार्क्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे स्टूडेंट, कंसंट्रेशन नहीं होंगे, फिलहाल स्टूडेंट आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको अगर क्लास 10 साइंस से या हिंदी से या किसी भी अदर सब्जेक्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है स्टूडेंट। आप आई होप स्टूडेंट आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। आपको जो भी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के या अदर सब्जेक्ट के जो भी आपको प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपके लिए तुरंत न्यू वीडियो बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।